और आइए जरा बंगाल का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के बंगाल बंद पर ममता बनर्जी का बयान सामने आ गया है। ममता बनर्जी कह रही है बंगाल को बदनाम करने का ये षड्यंत्र है, ईडी सीबीआई सब जालसाज। ये ममता बनर्जी का बड़ा बयान सीधे केंद्रीय एजेंसियों को निशाने पर लेते हुए साध रही हैं वो सीधा निशाना बीजेपी पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे हैं। दरअसल आज तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का स्थापना दिवस है और इसी मौके पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ममता बनर्जी पहुंची। मंच से ममता बनर्जी के निशाने पर सीधे बीजेपी है। ममता बनर्जी कह रही हैं ईडी सीबीआई सब जालसाज और ईडी सीबीआई मतलब केंद्रीय एजेंसी जिन्हें ममता बनर्जी निशाने पर ले रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं ये सब कुछ बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी कर रही है। बीजेपी के बंगाल बंद पर ममता बनर्जी का ये कड़ा प्रहार, बंगाल को बदनाम करने का ये षड्यंत्र है, ईडी सीबीआई सब जालसाज है। देखिए आप जानते हैं सीबीआई को जांच सौंपी गई है कोलकाता की निर्भया जो दरिंदगी हुई है वहां डॉक्टर बिटिया के साथ, उसी की जांच का जिम्मा इस समय सीबीआई के पास है। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि आरजीकर अस्पताल जहां पर पहले प्रिंसिपल थे डॉक्टर संदीप घोष और उनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच बहुत मुमकिन है कि ईडी को दे दी जाए और ऐसे में इन दोनों केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना ममता बनर्जी की तरफ से साधा जा रहा है। ईडी सीबीआई दोनों जालसाज हैं और साथ ही देखिए किस तरीके से बीजेपी की घेराबंदी के लिए ममता बनर्जी की तरफ से जिक्र मणिपुर का किया जा रहा है। इस्तीफे की मांग प्रधानमंत्री से ममता बनर्जी कर रही, बीजेपी पर ममता बनर्जी का यह बड़ा हमला, बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने बंद बुलाया है, ईडी सीबीआई सब जालसाज हैं, मणिपुर अभी भी जल रहा है, बीजेपी पर ममता बनर्जी का यह जोरदार प्रहार। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोयवाल इस समय मौजूद हैं। मणिपुर को अभी भी इंसाफ का इंतजार, मनोज्ञा ममता ये कह रही है इस्तीफा मांगना है तो पहले प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगो, ये कहकर ममता जो पलटवार कर रही है बीजेपी पर, क्या मायने निकाले जाए ये सियासी आरपार बीजेपी और टीएमसी में और आक्रामक होगा? टीएमसी बैकफुट पर नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए मैंने आपसे कल भी यही कहा था और आज भी यही कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्ष की राजनीति बखूबी जानती हैं। जैसे ही वो ये यहाँ पर सत्ता में है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तीसरी बार जीत कर आई है, लेकिन जैसे ही इस मुद्दे में तूल पकड़ा है अब वो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रही है। कह रही है जब उत्तर प्रदेश और मणिपुर में जितनी घटनाएं हुई है उसके लिए प्रधानमंत्री से पहले इस्तीफा मांगना चाहिए। जो कानून बनाए गए हैं वो न्याय तालिका में सिर्फ और सिर्फ 10 साल 12 साल 14 साल उसको अलग अलग खाप में जेल में किसी भी व्यक्ति को भेजा जाएगा जबकि सजा सीधे फांसी की होनी चाहिए और ये कानून तो केंद्र सरकार ने बनाया है। तीसरा सवाल सीधा उठाया मणिपुर पर कि मणिपुर की घटना में जिस तरह से बीजेपी ने अपना रवैया रखा है उससे कई गुना ज्यादा बेहतर बंगाल सरकार और बंगाल में खासतौर से पुलिस का कल रवैया रहा, जहाँ पर उनका ये कहना है, उन्होंने पुलिस को सल्यूट कहा
ये कहते हुए कि पुलिस को मेरा सैल्यूट है क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है उसे किसी व्यक्ति की जान नहीं गई जो कि बीजेपी चाहती थी और उस पर राजनीति करना चाहती थी। ऐसे में हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है और इंसाफ इस समय सीबीआई देगी। 14 दिन से अगर सीबीआई की हिरासत में है सब, तो फिर सीबीआई ने क्या किया इसका जवाब सीबीआई दे। इंसाफ तो हम मांग रहे हैं इस मामले में और हम भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये एकमात्र ऐसा मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आवाज उठाई हो या फिर जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को तून दिया हो। एक के बाद एक उनके भाषण में जो बातें आ रही हैं, उन्होंने यही साफ कहा है कि राज्य में अभी भी राज्य में हाथ में पावर आने पर रात भर दिन भर दंगे दोषी और फांसी फांसी की सजा देंगे। वो कह रही है कि शर्म अगर नहीं आती है किसी को, वो जज और जुडिशरी सब पर सवाल उठा रही हैं। ये कहते हुए कि मैं उन पर भले ही सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मैं उनसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि अगर महाराष्ट्र कोर्ट बंद पर रोक लगाई है तो फिर PIL करके उस पर वो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बंगाल। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ममता बनर्जी मंझी हुई राजनेता ये कहना पड़ेगा, क्योंकि किस तरीके से आक्रामक बीजेपी का सामना करना है ये अपने इस भाषण के दौरान बीजेपी की घेराबंदी करते हुए ममता नजर आ रही हैं। ममता दिखा रही हैं कि अगर बीजेपी की तरफ से उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है तो ममता और आक्रामक अंदाज में मंच से खड़े होकर मणिपुर का जिक्र करके यहां सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात किए दे रही है। ममता बनर्जी जो हैं वो जिस तरीके से अभी मनोज्ञा बता रही थी, किसी को बख्श नहीं रही हैं। अदालतों, जजों, सबको कहीं ना कहीं ममता इशारों इशारों में कटघरे में खड़ा करती हुई इस अंदाज में कि अगर विपक्ष महाराष्ट्र के अंदर बंद का आह्वान करता है तो वहां पर कोर्ट जो है वो महाराष्ट्र में विपक्ष के बंद को गलत करार देता है, तो बंगाल में अदालतें क्या कर रही हैं, क्यों बंगाल में विपक्ष जो कि बीजेपी है उसके बंद पर रोक नहीं लगाई जाती। ये कई सवाल हैं जो ममता बनर्जी की तरफ से सामने रखे जा रहे हैं और इन सवालों के जरिए ममता बनर्जी कटघरे में उल्टे बीजेपी को खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही कोलकाता की निर्भया को इंसाफ, इसकी मांग ममता बनर्जी अब कर रही हैं मंच से खड़े होकर, ये कहते हुए कि पिछले 14 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, अब तो जांच का जिम्मा सीबीआई के हाथ में है, सीबीआई जल्द से जल्द जांच क्यों नहीं कर रही, ये सवाल ममता की तरफ से उठाया जा रहा है। मनोज्ञा लोहिवाल हमारे साथ लगातार बनी हुई है, ममता बनर्जी का ये आक्रामक अंदाज मंच से नजर आ रहा है जहां तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम में ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं। बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है।